के 43वें साल के इस गणेश उत्सव पर हम आपके सामने महादेव का नाम नीलकंठ कैसे हुआ इस दृश्य को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राजा बलि के राज्य में दैत्य राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो गए। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवाधिंद्र शक्तिहीन हो गए थे। असुरराज बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। इंद्र सहित देवतागण असुरों से भयभीत रहते थे। स्थिति के निवारण का उपाय केवल वैकुंठनाथ विष्णु ही बता सकते थे। अतः ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा समझा। हे देवेश्वर, हम पराजित हुए। हमारे सेना से अगले सेना वीर गति को प्राप्त हुए। हमारा चल रक्षा से छुप गया। आपके फिर तो कोई नहीं जो हमारी रक्षा करे, हमारे दुख का निवारण करे। संजीवनी मंत्र का केवल एक उत्तर है, अमृत। अमृत अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है। मृत्यु उसे छू नहीं सकती। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमें कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? देवेंद्र, अमृत आपको समुद्र से मिलेगा, सागर का मंथन करने से मिलेगा। अमृत? परंतु हे जगदीश्वर, हमें तो अमृत के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। देवता, जिस प्रकार दूध के भीतर माखन छिपा तो होता है, परंतु वो मिलता तभी है जब दूध को माखा जाता है। उसी प्रकार समुद्र के भीतर अनेक पदार्थ छिपे हैं, अनमोल रत्न छिपे हैं। उन्हें केवल मंथन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अमृत उनमें सबसे अनमोल है। समुद्र मंथन आरंभ हो और भगवान कश्यप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। द्वारा से सभी देवता तथा आसुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी सहित नारायण के पास पहुंचे। सागर मंथन से जीवनदायक अमृत के स्थान पर प्राण घातक विष निकला है। सृष्टि में हाहाकार मचा है। हे आदि प्रजापति, हे देवगण, जीवन को अमर बनाने के लिए मृत्यु से हार पाकर टकराना तो अवश्य पड़ता है। इसी संघर्ष में तो जीवन का सौंदर्य निहित है। यदि अमृत की प्राप्ति इतनी सरल होती देवता, तो जीवन और मृत्यु का यह संघर्ष और उसकी यह कथा कब की समाप्त हो चुकी होती। सागर बंधन आपके आदेश के कारण आरंभ हुआ। अमृत की प्राप्ति हमारे लिए नितांत आवश्यक है, परंतु युद्ध के कारण मंथन स्थगित हो चुका है। आपका आदेश अधूरा रह गया है। हम मंथन करके आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं, परंतु ये विष बाधा बन गया है। ये बहुत जटिल समस्या है और इसका समाधान केवल भोलेनाथ कर सकते हैं।
मैं देख रहा हूं कि संकट का निवारण केवल उन्हीं के पास है। मुझे करनी चाहिए थी, आज उन सब की रक्षा आपने की है।